की साइंस के युग में भूत प्रेत को भरोसा बहुत कम लोग करते हैं। मैं खुद भी इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ, मगर ऐसी बहुत सी चीज़ हैं इस दुनिया में जो हमें इस बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। प्रोभेलिया इटली के वेनिस और लीडो शहर के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, बहुत ही खूबसूरत, पर लोग वहाँ जाने से डरते हैं। यहाँ तक कि इटली के सरकार ने खुद भी कह दिया कि अगर आप वहाँ जाना चाहें तो अपने खुद के रिस्क पर जाएं। सन 1700 के आसपास इटली में एक खतरनाक बीमारी आई, प्लेग। प्लेग का नाम आप सभी ने सुना होगा। कहते हैं इस प्लेग ने लगभग आधे इटली को ही खत्म कर दिया था। प्लेग के लिए उस वक्त दहशत थी, जैसे हमने कोरोना के टाइम में देखा। कोरोना के टाइम जो हम लोग क्वारंटीन वार्ड सुने, दरअसल ये शब्द इटली का उस वक्त का दिया हुआ शब्द है, क्वारंटा। धीरे धीरे लोगों में प्लेग बढ़ने लगा, फिर इसका नामकरण हुआ। लोगों को पता चला कि ये प्लेग है, बचने का चांसेस बहुत ही कम है। ये रोग चूहों से आया है, वैक्सीन भी नहीं बना था, तभी ये क्वारंटा शब्द का प्रचलन हुआ। जो लोग प्लेग का शिकार होते थे उन्हें 40 दिन अलग रखा जाता था। जब भी कोई जहाज इटली आता तो सबसे पहले पेबेलिया आइलैंड पे ही रुकता, वहां पे इसकी तलाशी ली जाती थी कि कहीं इसमें कोई प्लेग का संक्रमित तो नहीं है। अगर सब कुछ सही होता तो फिर उसे वेनिस की तरफ जाने की इजाजत दी जाती। जब प्लेग कंट्रोल के बाहर हुआ तो इटली सरकार ने एक निर्णय किया कि जो भी प्लेग का शिकार हैं वो दूसरे इंसानों में ये चीज ना फैलाएं, इसलिए उनको पेबेलिया आइलैंड में क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाएगा। क्योंकि पेबेलिया 18 एकड़ में फैली एक द्वीप है जिसकी चारों तरफ पानी है। फिर इटली सरकार ने तमाम प्लेग के मरीजों को इस आइलैंड में भेजना शुरू कर दिया और उनको 40 दिन के क्वारंटाइन में रखा गया। 40 दिन में अगर वे ठीक हो गए तो उनको वापिस ले जाया जाएगा, वरना 40 दिन में मरना तो तय है। धीरे धीरे वहां मरीजों की तादाद बढ़ती गई, फिर यह तादाद 1 लाख से ऊपर होने लगा। क्योंकि छोटा सा द्वीप था तो इतने लोगों को वहां पे रखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जो अपने आप मर गए सो मर गए, बाकी लोगों को फिर जिंदा जलाना शुरू किया गया। करीब 1,60,000 लोगों को जो कि प्लेग रोगी थे और बचने का उम्मीद ना के बराबर थी, उन्हें जिंदा जला दिया गया ताकि बाकी इंसानों को बचाया जा सके। फिर प्लेग खत्म हो गया। इसके बाद इटली में एक और रोग आया था, ब्लैक फीवर, काली बुखार। इस काली बुखार में जितने लोग मरे उनके डेड बॉडी को इसी आइलैंड में दफनाया गया था। कुल मिला के 2 लाख से ज्यादा लोगों की ये जमीन। कहते हैं कि ये जो 18 एकड़ का द्वीप है इसकी आधी मिट्टी इंसानी राख और इंसानी हड्डियों से बनी हुई है। तो अंदाजा लगाइए कि एक इतनी खूबसूरत द्वीप जिसकी आधी जमीन इंसानी हड्डियों और राखों से बनी हुई है, उस द्वीप पर कोई कैसे रह सकता है, कैसे बस सकता है? इसके बाद लोगों को इस द्वीप का नाम सुनते ही डर लगने लगा। धीरे धीरे वो द्वीप एक भूताहा द्वीप बन गया और ये खूबसूरत आइलैंड कभी बस नहीं पाया। बाद में इटली सरकार ने इस द्वीप पर टूरिस्ट को वापस लाने की बहुत कोशिश की, पर सब नाकाम रहे। इसके बाद इटली गवर्नमेंट ने इस द्वीप पर एक मेंटल हॉस्पिटल खोलने का ऐलान किया। एक बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल भी बना, वहां डॉक्टर्स नर्स बड़ी तादाद में भेजे गए। फिर ये द्वीप थोड़ा गुलजार रहने लगा क्योंकि वहां पेशेंट्स उनके रिश्तेदार सब आ रहे थे। फिर अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों से गड़बड़ी शुरू हो गई। उन्हें रात को दोपहर को कभी भी अजीब अजीब आवाजें आती, चीखने की आवाज आती, एक अजीब तरह की बदबू आती, इंसानी जिस्म की जलने की, इंसानी राख की, हड्डियों की। कुछ डॉक्टर्स तो खुद पागल हो गए। धीरे धीरे उस मेंटल हॉस्पिटल के सारे स्टाफ उस द्वीप से डर के मारे भागने लगे। आखिरकार 1960 में इटली गवर्नमेंट को इस मेंटल हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। इसके बाद इस द्वीप को लीज में बेचने का प्लान बनाया गया। फिर जिन जिन लोगों ने इसे खरीदा उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब हादसे होने लगे।
स्विट्जरलैंड के हेंसब्रुक पहले इस द्वीप को खरीदा। खरीदने के कुछ दिन बाद ही इनका मौत हो जाती है, और वो भी बड़ी रहस्यमय तरीके से। उनकी लाश एक कारपेट में लिपटी हुई मिली। ये आज तक समझ नहीं आया कि वो मरे और उनकी लाश कारपेट में कैसे लिपटी। इसके बाद जर्मनी के एक करोड़पति बिजनेसमैन ने इसको खरीदा। कुछ दिन बाद उनकी हार्ट अटैक में मौत हो गई। फिर स्विट्जरलैंड के एक और अरबपति ने इसे खरीदा। इसके बाद वो पागल हो गए। उनको मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया और वहीं पे उन्होंने सुइसाइड कर लिया। फिर पॉल गेटी नाम के एक अरबपति ने इसको खरीदा। इसके बाद उनके पोते का किडनैप हो गया। इसके बाद उन्होंने इस आइलैंड को छोड़ दिया। फिर एक और शख्स ने इस द्वीप को खरीदा, पर वो एक इंश्योरेंस के फ्रॉड केस में फंस गया। उस चक्कर में उसको जेल की लंबी सजा हो गई। आखिर में 2014 में इटली सरकार ने फिर से इस द्वीप का नीलामी का ऐलान किया। वेनिस के एक शख्स ने इस द्वीप को खरीदा। सारी डील्स हो गई, एन वक्त पे डील कैंसिल हो गई कुछ वजह से। बहुत टूरिस्ट हिम्मत करके इस द्वीप में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समंदर का चक्कर काट के आ जाते हैं। उस द्वीप पे कभी पाँव नहीं रख पाते। करीब 300 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। इस द्वीप को लेकर जो तमाम राज थे, खौफ थे, दहशत थे, वो आज भी वैसे ही हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।